भगवान मैंने तुम्हें सुबह से 3-4 बार कह दिया मुझे चाय पिलवा दे, चाय पिलवा दे। जब मुझे पिलवा दे मेरा मन बहुत उदास सा हुआ। अच्छा ठीक है, जरा देख ले, जल्दी से बनवा ले चाय, चल देख ले जाना। एक बात बताओ, यो काली लुगाई किस तरह पसंद आई तुम्हें? अरे भाई काली धोली कुछ ना होती। अच्छा हाँ, और इसके बाप ने मुझे जमीन दी, अच्छा पैसे दिए, अच्छा हाँ, और दो भैंस दी, अच्छा मुझे भैंस मिला तो मैंने इस काली को पसंद कर ली। तो बहुत नहीं आज मैं तुम्हारे बाल आज बेच अरे मारा ब्याह नहीं होता। क्यों मारा ब्याह नहीं होता? मकान खोद रहे से हैं। अरे हो जा पागल, ये भी मकान खोद रहे से थे। तो दहेज का क्या मतलब है इसमें? हाँ तो बात तो वही है, फिर हमने बाद में सोचा हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। हमारे जैसे आदमी तुम्हें जैसे दहेज देने की वजह लौटे सुसाइड कर ली। हम आपकी बात मानते हैं, लड़की आयशा उसने भी सुसाइड कर ली। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हमने अब ये सोच रखा है कि हम आज के बाद ना तो हम दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। शादी ब्याह में भी 5-4 आदमी आदमी बुलाएंगे और अपना काम करके घर भेज देंगे। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया पापा को। हाँ उसी से वीडियो बनाई, उसके बाद सुसाइड कर ली। मुझे बहुत दुख हुआ है ना पापा, मतलब दहेज का कोई नाम नहीं, तो बिल्कुल नहीं करना था मुझे उसमें। हाँ उसमें दहेज। खान 9211 टीम की तरफ से आपसे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दहेज लेना और देना बहुत बड़ा गुनाह और पाप है। भाइयों अभी कुछ दिनों पहले आयशा नाम की बच्ची को दहेज के कारण अपनी जान देनी पड़ी है। मेरा सबसे निवेदन है कि दहेज लेना ना देना। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ने का निवेदन है कि दहेज लेना और देना बंद। खान 9211 टीम की तरफ से सभी को धन्यवाद।